नमस्कार, मैं हूँ दिबांजलि मोइत्रा। एक समय था जब भारत और चीन के रिश्ते इतने मजबूत थे कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ झूला झूलते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से, खासकर गलवान मामले के बाद से ही, भारत और चीन के रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि भारत में तो अब चीन का नाम सुनना भी कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि चीनी उत्पादों का इस्तेमाल करना भी लोग छोड़ रहे हैं। चीन को लेकर भारत में तेजी से बढ़ रही इस नफरत ने चीन के ही वरिष्ठ पत्रकार शी जियांगताओ को टेंशन में डाल दिया। उन्होंने एक लेख में जिनपिंग सरकार को आगाह किया है कि भारत को स्थायी दुश्मन न बनाए चीन। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के वरिष्ठ पत्रकार शी जियांगताओ ने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर अखबार में लिखे अपने लेख में कहा कि एक साल पहले किसी ने ये अपेक्षा नहीं की थी कि साल 2017 के बाद सुधर रहे चीन भारत संबंध अपने निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। करीब 13 महीने बीत जाने के बाद भी पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस घटना से नई दिल्ली के पेचिंग को लेकर समझ में निर्णायक बदलाव आया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का हवाला देते हुए चीनी पत्रकार शी जियांगताओ ने लिखा, गलवान हिंसा से पहले दोनों देश हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे और पीएम मोदी तथा शी जिनपिंग के बीच दोस्ती थी। उन दिनों चीन का अमेरिका के साथ शीत युद्ध चल रहा था और ज्यादातर विशेषज्ञों की सलाह थी कि चीन के लिए भारत को अलग करना उसके अपने लिए भयावह होगा। एक साल बाद ठीक वही हुआ जिसकी चेतावनी दी गई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने कहा कि चीन के साथ काफी ज्यादा बिगड़ चुके रिश्ते अब दोराहे पर है। जयशंकर ने इसका कारण गिनाते हुए कहा कि अगर आप शांति और सद्भाव को छोड़ते हैं, आप रक्तपात करते हैं और यदि डराते हैं और सीमा पर लगातार तनाव बना रहता है तो इसका रिश्तों पर असर पड़ना तय। चीनी उत्पादों के बॉयकॉट को लेकर चीनी विशेषज्ञ शी जियांगताओ ने कहा कि इस समय भारत में चीन के खिलाफ अविश्वास अपने चरम पर है। भारत के विशेषज्ञ चीन के खतरे और पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी को लेकर आगाह कर रहे हैं। भारत में चीनी ऐप के बैन करने का ज्यादातर लोग समर्थन करते हैं। इधर चीन से भारत के रिश्ते बिगड़े तो उधर सुपर पावर अमेरिका भारत के करीब आया। भारत अमेरिका के मजबूत होते रिश्ते को लेकर चीनी पत्रकार शी जियांगताओ ने कहा, भारत ने अपने अमेरिका के साथ गठबंधन बनाने की झिझक को भी खत्म कर दिया। भारत अब चीन को घेरने की अमेरिकी रणनीति का एक अहम पिलर बन गया। भारत अब क्वाड का सदस्य है जो चीन को संतुलित करने के लिए बनाया गया। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन के उभार और उसकी घरेलू तथा बाहरी स्तर पर कट्टरवादी नीतियों की वजह से जापान और भारत जैसे देश अमेरिका के करीब जा रहे हैं। चीन ने जिस तरह से LAC पर अपनी सेनाएं तैनात की हैं और लगातार सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, उसे तो लगता है कि भारत और चीन के रिश्तों में गर्माहट इतनी जल्दी नहीं आने वाली। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि शत्रु की बजाय दोस्त बनाना। जिनपिंग के इसी बयान का जिक्र करते हुए शी जियांगताओ ने अखबार में लिखा, शी जिनपिंग ने शत्रु की बजाय दोस्त बनाने का संदेश दिया जो सराहनीय है। इसे चीन को दुनिया में विश्वसनीय, सम्मानित, प्यार करने वाली शक्ति माना जाएगा। अगर चीन इस बात को लेकर गंभीर है कि नई दिल्ली उससे दूर नहीं जाए या भारत उसका हमेशा के लिए शत्रु न बन जाए, तो उसे सीमा से जुड़े मुद्दों की शिकायतों को एक तरफ रखना होगा और गतिरोध को खत्म करना होगा। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच रिश्तों में कड़वाहट की शुरुआत तो डोकलाम मामले के बाद से ही आ गई थी, जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। ये मामला अभी ठंडा ही पड़ा था कि चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की हिमाकत कर दी। इस बार उसने गलवान घाटी में अपनी सेना को भेज दिया, जहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच पहली बार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी शुरुआत चीन ने ही की। गलवान हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के भी कई सैनिक मारे गए। इस हिंसक झड़प के बाद से ही चीन के साथ भारत के रिश्ते खराब होते चले गए और अभी तक खराब ही हैं।